और बड़ी खबर आपको बता दें, हाईबॉक्स निवेश घोटाला मामले में दिल्ली पुलिस एक्शन में है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की आईएफएसओ यूनिट ने हाईबॉक्स निवेश घोटाले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। स्पेशल सेल ने आरोपी के 4 बैंक खातों में मौजूदा 18 करोड़ रुपए भी सीज किए हैं। पुलिस को मिली शिकायत के मुताबिक हाईबॉक्स ऐप के लिए आरोपी निवेशकों को गारंटेड रिटर्न देने का लालच देता था। अब तक की जांच में लगभग 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी सामने आई है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने ऐप को प्रमोट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसमें कॉमेडियन भारती सिंह और यूट्यूबर एल्विश यादव का भी नाम शामिल है। पुलिस ने इस मामले में यूट्यूबर अभिषेक मल्हान, लक्ष्य चौधरी, पूरव झा को भी नोटिस जारी किया है। तो कॉमेडियन भारती सिंह को भी जो है समन जारी किया गया, साथ ही इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ के लिए सभी को यह समन जारी किया गया है। और आइए अब आपको ग्राफिक जरिए बताते हैं कि हाईबॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कैसे 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। तो जांच में दरअसल ये बात सामने आई है कि आरोपी जे शिवराज ने निवेशकों की 18 करोड़ रुपए की रकम सत्रुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के 4 बैंक खातों में जमा कराए। इतना ही नहीं, आरोपी ने तमिलनाडु के न्यू वॉशर मेमेंट में स्थित ऑफिस स्पेस का सत्रुल्ला एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लीज पर लिया था और वहीं से धोखाधड़ी का यह पूरा खेल शुरू हुआ। मोबाइल ऐप हाईबॉक्स के जरिए लोगों को हर दिन 1 से 5% तक रिटर्न की गारंटी का लालच दिया गया, जो महीने का 30 से 90% तक हो जाता था। आरोप तो यह भी है कि हाईबॉक्स ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स की मदद से मासूम लोगों को बहकाया, उन्हें ऐप में निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया। इस मामले में ईज बज और फोन पे की भूमिका की भी जांच की जा रही है, क्योंकि हाईबॉक्स चलाने वाले धोखेबाजों के मर्चेंट खातों को ईज बज और फोन पे ने बिना सत्यापन प्रक्रिया के और आरबीआई के नियमों को दरकिनार कर वर्चुअली खोला गया था।